time I see you, see you. 14th यानी 14 फरवरी इन पांच नाम वालों को मिलेगा उनका सच्चा प्यार। चले देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? हो पछे ही होंगे। चले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कौन से जो पांच अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, जिनको अपना सच्चा प्यार मिलेगा? चूज एनी वन अल्फाबेट, कोई भी आप अल्फाबेट चूज कर लीजिए। देखते हैं किस नाम के व्यक्ति को उनका सच्चा प्यार मिल सकता है इस वैलेंटाइन डे पे। चूज कर लिया फ्रेंड? चलिए देखते हैं वो कौन से पांच अक्षर हैं जिनको मिलेगा उनका सच्चा प्यार। वेट, आंसर लोडिंग, थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आंसर नंबर वन। ओ वाओ, आठ नाम वाले लोगों को उनका सच्चा प्यार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक दूसरे को प्रपोज कीजिए ताकि आपको आपका सच्चा प्यार मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, नंबर टू आंसर में देखते हैं वो कौन सा अल्फाबेट है। एस। वाओ, एस नाम वाले व्यक्ति बहुत ही आकर्षित होते हैं, जो सबको अपने प्यार से आकर्षित करते हैं, और किसी भी व्यक्ति एस नाम वाले, चाहे वो लड़का हो या लड़की, को अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। आंसर नंबर थ्री देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ओ वाओ, एन नाम वाले व्यक्ति थोड़ा गंभीर होते हैं, मतलब सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर किसी को प्रपोज करना है तो बहुत सोचेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी एन नाम वाले व्यक्ति के पीछे दीवाना होता है। चलिए आंसर नंबर फोर फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। डी नाम वाले लोग, वाओ, डी नाम वाले लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना होगा, तभी उनको उनका सच्चा प्यार मिल सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो प्रपोज नहीं कर पाएंगे और उनको अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। चलिए आंसर नंबर फाइव में एम है। एम नाम वालों, आपको आपका सच्चा प्यार तो मिलेगा ही इस वैलेंटाइन डे के दिन। आप जरूर प्रपोज करें एक दूसरे को। अगर प्रपोज नहीं करेंगे तो इस वैलेंटाइन डे पे आपको कैसे मिल सकता है आपका सच्चा प्यार? यही पांच नाम है जिनको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तभी आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा। आपको आपका आंसर तो मिल गया होगा फ्रेंड्स, कमेंट्स करना। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट्स भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।